नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अंकित और आज हम बात करने वाले हैं महिंद्रा बोलेरो पिकअप के ब्रेक शू या अल्टर टाइट करने के बारे में। तो सबसे पहले जिस भी तरफ का जिस व्हील का आपको अल्टर टाइट करना है उस व्हील को ओपन करना है और इसके बाद में हमें इस ड्रम को निकालना है। इसको निकालने के लिए यहाँ पर एक स्क्रू दिया हुआ है, इसको इम्पैक्ट रेंज की मदद से आपको खोल लेना है। तो चलिए मैं इसको ओपन कर लेता हूँ और इसको ओपन करने के बाद यहाँ पर और जस्ट इसके सामने यहाँ पर 15 mm का देसी बोल्ट जो आता है वो टाइट करेंगे। इसको टाइट करने से क्या होगा, ये जो बोल्ट है और यहाँ पर बोल्ट लगेगा और ये जो हमारा ड्रम है ये पुल आउट आएगा बाहर की तरफ और ये निकल जाएगा। चलिए मैं इसको ओपन कर लेता हूँ। ड्रम को मैंने 15 mm के बोल्ट की मदद से ओपन कर लिया है। अब बात करते हैं इसके अल्टर को कैसे टाइट किया जाता है, ब्रेक शू को कैसे टाइट किया जाता है। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर एक नट बोल्ट टाइप का मैकेनिज्म दिया हुआ है, इसमें स्लॉट टाइप के बने हुए हैं। इसको एक फ्लैट हेड स्क्रू ड्राइवर की मदद से आपको पुश करना है, अपने से अपोजिट की तरफ इसको धकेलना है ये ऐसे। तो ये जो स्क्रू दिखाई दे रहा है आपको, ये मूव करता दिखाई देगा आपको जब आपको कैमरे में रिफ्लेक्शन के वजह से सही दिखाई दे रहा है। तो और इन ब्रेक शू के अल्टर को इतना ही टाइट करना है कि ये हमारा ड्रम है ये लूज़ भी ना रहे और इतना भी टाइट ना हो कि ये अंदर ही ना जाए। तो चलिए मैं इनको टाइट कर लेता हूँ और इनको टाइट करने के बाद में आपको ये वाला जो ब्रेक शू का जो आगे ये वाला जो कार्बन डिपॉजिट टाइप का हुआ है इसको सैंडपेपर की मदद से साफ़ करना है और जो ये सारा डस्ट पार्टिकल आपको दिखाई दे रहा है ये भी ब्रश की मदद से आपको साफ़ करना है।